आप देख रहे हैं दखल न्यूज। रीवा में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने एक पुलिस वाले पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस इन गुंडों की तलाश कर रही है, वहीं गंभीर रूप से घायल पुलिस अफसर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रीवा पुलिस लाइन में पदस्थ ASI शंकरशरण तिवारी के ऊपर अज्ञात लोगों ने प्राणघातक हमला कर दिया। ASI को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ASI शंकरशरण तिवारी रात में सेक्टर 2 में गश्त कर सुबह 5 बजे वापस घर जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उनके सिर पर धारदार हथियार से हमला किया। ASI को अचेत अवस्था में उपचार के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हाँ, ये ASI साहब है, शंकरशरण तिवारी थे, नाइट गश्त में थे, गश्त से सुबह आए हैं 5 बजे के आसपास, कंपनी में वापसी कराए थे, अपना घर जा रहे थे। उन्होंने अपनी बच्ची को एक फ़ोन भी किया कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ, उस पर अपनी पत्नी को फ़ोन लगा सवा 5 बजे के आसपास कि मैं जा रहा हूँ। तो पत्नी ने बोला भी काय से जा रहा हूँ, बोले पैदल जा रहा हूँ। तो हमने मना भी किया, बोले पैदल क्यों जा रहे थे ठंड में। उसके बाद करीब 7 बजे के आसपास फिर कंट्रोल रूम FR भी हमारी गई, उनको खबर मिली थी कोई एक पुलिस का कर्मचारी भी यहाँ पड़ा हुआ, उसको चोट लगी हुई है। तो संजय नगर के आगे खुदा खदान पड़ती है, वहाँ से उनको लेके आया और बेहोशी की हालत में उनके सिर में चोटें थी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। सिटी स्कैन वगैरह भी उनका हो गया है, अभी तक उनको होश नहीं आया था। और पतासाजी की गई, उसमें लगा ऐसा लग रहा है कि मोटरसाइकिल वाले लगे थे और उन्होंने उसके साथ मारपीट की है, कारण क्या है ये क्लियर नहीं हो पा रहा। रीवा शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन कोई ना कोई कांड अपराधियों द्वारा किया जाता है। अपहरण, लूट, चोरी, डकैती, खुलेआम गोली चलाना इत्यादि अपराध रीवा शहर के अपराधियों के लिए आम बात हो गई है। हद तो यह है कि ये अपराधी अब पुलिस वालों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।